और क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29 और पार्ट देखो क्या है। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2y कैप माइनस j कैप प्लस 5 k कैप टू द लाइन r वेक्टर इक्वल टू 11i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8 k कैप प्लस लैम्बडा 10i कैप माइनस 4j कैप माइनस 11 k कैप। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। पहले आप देखो क्वेश्चन को समझो। आपको ये कहा गया है कि एक पॉइंट है पी, लेट द पॉइंट बी पी, ठीक है, इसकी जिसके आपको वेक्टर इक्वेशन गिवन, तो ये आपका पॉइंट पी होगा। इसकी वेक्टर इक्वेशन गिवन है 2y कैप माइनस j कैप प्लस 5 k। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और ये आपकी एक लाइन है, ये मान लो इस लाइन पर एक पॉइंट लाई कर रहा है, इसकी आपको वेक्टर इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और आपको इस परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करनी, ठीक है, और आपको इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आपको एल की वैल्यू भी इस तरह से फाइंड करनी है, और पी एल ये जो है आपका परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी ये भी फाइंड। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो, तो पहले ये बताओ कि जो आपकी लाइन है उसकी वेक्टर इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं भाई पी एल की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये कहोगे ना पोजिशन वेक्टर ऑफ एल माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी। एल का मतलब आप यहाँ पे समझो ये लाइन, इसकी वेक्टर इक्वेशन गिवन है, ठीक है। जब मैं आपसे कहता हूँ पोजिशन वेक्टर ऑफ एल, पोजिशन वेक्टर ऑफ एल, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ एल देखो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना 11 प्लस 10 लैम्डा i कैप, फिर प्लस -2 -4 लैम्डा j कैप, फिर प्लस -8, ऐसे होगा, ठीक है। तो देखो लिख लिया, ये आ गया पोजिशन वेक्टर ऑफ एल, क्लियर है, माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी। पी तो ऑलरेडी भाई कोऑर्डिनेट्स को आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, वही तो पोजिशन वेक्टर होता है। पी तो ऑलरेडी पोजिशन वेक्टर में गिवन है, आप पी जो है आपको वो ऑलरेडी पोजिशन वेक्टर में ही गिवन है आपको। ये देखो 2y कैप माइनस j कैप प्लस 5 k कैप, बोलो भाई क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, 11 प्लस 10 लैम्ब्डा और -2, तो 11 माइनस 2 क्या होगा, 9 प्लस 10 लैम्ब्डा, ये क्लियर, ठीक है। आगे देखो, फिर -2 -4 लैम्ब्डा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो होगा -1 -4 लैम्ब्डा, ये क्या है। इसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -8 -11 लैम्ब्डा, और ये क्या हो जाएगा +-5, तो ये हो जाएगा आपका -13 -11 लैम्ब्डा के क्या। इज इट क्लियर, ठीक है। आगे देखो, अब आप ये बताओ मुझे, अगर मैं आपको ये कहता हूं कि ये जो लाइन है ये बनी, ये वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो आप ये कहोगे ना कि इसका जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा, होगा ना 0 के इक्वल। अब इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, वो ये है भाई आर वेक्टर इक्वल टू जो आपकी फॉर्म होती है लैम्डा, ये होता है ना ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर यही तो है आपका, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज तो एज इट इज गिवन है, ये बना आपको, ठीक है। तो देखो, तो पीएल वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के इक्वल होना चाहिए। पीएल वेक्टर की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके, पीएल वेक्टर की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 9 प्लस 10 लैम्बडा। और देखो बी वेक्टर की जो वैल्यू है आपकी वो क्या है, आपकी जो आपकी बी वेक्टर की वैल्यू है दैट इज 10 -4 -11। मैं यहां लिख देता हूं 10 -4 -11,
बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, तो 9 प्लस 10 लैम्डा इंटू 10, फिर -1 -4 लैम्डा इंटू -4, फिर -11 इंटू दिस होगा 0 के इक्वल। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी लैम्डा की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? माइनस आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस लैम्डा की वैल्यू को देखो यहाँ पर, यहाँ पर अगर मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ तो मेरे पास जो है ये एल जो है, ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है आपका, इसके भी तो मेरे पास पोजिशन वेक्टर आ जाएंगे। समझ तो आ रही है मेरी बात? अगर मैं इस लैम्डा की जगह क्या पुट कर दूँ? -1, तो बताओ क्या आएगा? ये -10 हो जाएगा। 11 -10 क्या हो जाएगा? आई क्या? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। -2 + 4 क्या हो जाएगा? 2j। क्या ये क्या हो जाएगा? -8 + 11 ये हो जाएगा 3k। क्या हो गया? क्लियर? तो आपके पास देखो p वेक्टर तो क्वेश्चन में गिवन ही था, और l वेक्टर भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। आ गया, अब मैं इसकी लेंथ फाइंड कर सकता हूँ ना, फाइंड कर सकता हूँ लेंथ। कैसे फाइंड करूंगा? देखो, जैसे आपने पुट किया इसको, तो आपका एल की वैल्यू आ गई, तो मैं पी एल वैक्टर फाइंड करता हूँ। क्या होगा? पोजिशन वैक्टर ऑफ एल ये, माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ पी, ये भी आपको की। तो देखो, आई कैप -2 i कैप क्या होगा? -i कैप। 2j कैप +j कैप कितना होगा? +3j कैप। pk कैप -5k कैप होगा -2k। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई? पी एल वैक्टर की वैल्यू। मुझे इसका लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? लेंथ। लेंथ निकल जाएगी। लेंथ का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है। तो ये हो गया भाई, माइनस या प्लस करो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। ये 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपकी जो लेंथ आएगी इसकी, वो आएगी √40। ये आपका क्लियर हो गया? ठीक है।